हे दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स राहुल पे आप सबका स्वागत है। और एक नए वीडियो फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। और आज जहाँ मैं लेके जाने वाला हूँ वो हो सकता है कि भिलाई में सबसे बेस्ट जगह है जो मैं आज तक मैं देखा हुआ हूँ। तो मुझे लगा कि इसके लिए एक अलग से व्लॉग बनाना चाहिए, तो मैं अब स्टार्टिंग कर रहा हूँ और ले चलता हूँ वहाँ पर जहाँ पर ये जो जगह है। आप खुद देखिएगा अपने आँख से कि कितनी खूबसूरत जगह है। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो अपन को सीधा सीधा चलना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ इसी जाना है आप लोगों को। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि अभी हाल ही में मैं 1800 क्रॉस किया हुआ हूँ और 2000 बहुत जल्द कर दो। और लॉस्ट टाइम तो भी बचा हुआ मेरा, तो अभी तो खैर फिलहाल ऐड वगैरह नहीं आएंगे। और यूट्यूब में बहुत से लोग ऐसे हैं कि मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, जितने भी भाई बंधु हैं तो मुझे बोलते हैं कि सर मेरा चैनल प्रमोट कर दो, मेरा चैनल प्रमोट कर दो। भाई इस चैनल प्रमोट करने वाली जो बात है, तो मैं ऐसे किसी के भी चैनल में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि उसका भी एक रीज़न होता है, क्योंकि यूट्यूब उस चीज़ को सब चेक करता है, ठीक है। तो जो बंदा मेरे चैनल पर नहीं है या फिर मेरे वीडियो पर नहीं है, उस बंदे का मैं लिंक वगैरह मैं नहीं दे सकता। आपने हाल ही में देखा होगा कि मैंने एक दीपक भाई जी का मैं इंटरव्यू लिया हुआ था, उसमें वो बंदा था, इसलिए मैंने उनका चैनल का लिंक दिया हूँ, ठीक है। और जिसमें नहीं थे उससे इसमें मैं चैनल का लिंक नहीं दिया हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब के खिलाफ है। और यूट्यूब के खिलाफ जाना यानी कि अपने पैर में खिलाड़ी मारना। तो भाई जिस दिन से मैं लाइव पाता हूँ यूट्यूब से रिलेटेड जो भी बातें हैं होती हैं और लाइव पाऊँगा, जिस दिन मैं आप लोगों का चैनल में अपने मुँह ज़ुबानी से ही बता दूँगा। और ये सब चीज़ से मुझे नहीं लगता किसी को कोई फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सब्सक्राइब आप इजीली दे ला सकते हो, 1000 ला सकते हो। वो कैसे ला सकते हो मैं आपको आज बता देता हूँ। वो इस तरह का ला सकते हो, आप फेसबुक चलाते होंगे, इंस्टा चलाते होंगे, ठीक है। तो ये जो दो बहुत यानी कि हर बंदा हर बंदी ये चीज़ को यूज करते हैं, और इसी से ही आप अपना 1000 के सब्सक्राइबर पूरे कर सकते हो। वो कैसे, अपने जितने भी दोस्त यार हैं सबको अपने चैनल के बारे में बताओ। अगर उनको वो चैनल पसंद नहीं भी आता है तो वो बंदा क्या करेंगे, आपका चैनल सब्सक्राइब कर देंगे बस। लेकिन आपको वॉच टाइम नहीं मिलने वाला। वॉच टाइम आपको कब मिलेगा, जब आपको जो भी बंदा सब्सक्राइब करता है बिना आपके बोले, ठीक है। जो भी बंदा आपको सब्सक्राइब करता है कि आपका चैनल उनको पसंद आता है, तो कंटेंट आपको उनको पसंद आता है, वो बिल्कुल ही आपको सब्सक्राइब करेंगे। और आपका जब भी आप वीडियो डालते हो वो जरूर वॉच करेंगे, इससे आपका वॉच टाइम भी बढ़ेगा, सब्सक्राइबर भी धीरे धीरे होंगे। एकदम सब कोई चमत्कार नहीं होता यूट्यूब पे, ठीक है। तो कुछ समय देने होते हैं, मैक्सिमम मैं बता देता हूँ 6 महीने आपको देने होंगे। तगड़ी मेहनत लगती है यूट्यूब पर, उसके बाद ही आप इनकम कर पाओगे। तो लीजिए सामने से देख सकते हो वो है जेपी पेमेंट फैक्ट्री। तो मैं उन्हीं का बात कर रहा था कि पिछले 8 साल से मैं वहीं जॉब करता था, एक सुपरवाइजरिंग करता था। उसके पहले मैं हार्ड वर्क करता था, हार्ड वर्क इतना करता था कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना हार्ड वर्क करता था, ठीक है। तो ये जेपी पेमेंट फैक्ट्री, और इसी के अंदर मैं अब बंद काम करते थे, 8 साल मैंने लिया, लेकिन आज की डेट में ये जो प्लांट है बंद हो चुका है। कुछ कुछ काम चलते हैं, कुछ कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन टोटली बंद होने वाला है, ठीक है। तो अब मेरे पास फ़िलहाल अभी कुछ काम नहीं है। तो मैं बहुत से यूट्यूबर का मैं यूट्यूब देखता था, और बहुत से कम 1 साल पहले मैं मुंबई का निखिल का MSK, तो MSK का भी ब्लॉग देखता था। और अब मैं चिंतामणि जयपुर या अपने छत्तीसगढ़ के फेमस यूट्यूबर, ये सब चीज़ का मैं पिछले 1 साल से मैं देखता था। तो होता क्या था, देखता था, अच्छा लगता था, सब्सक्राइब कर दिया था, और 1 साल से कंटिन्यू उनको मैं फॉलो करता था। तो ये है अपना जेपी सीमेंट फैक्ट्री, और यहीं से स्ट्रेट सीधा जाना है। और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख पाएंगे रोड किस तरह का रोड है। तो मैं कहाँ था, तो मैं ये था कि मैं यहाँ जॉब कर रहा था, तो ठीक है मैं वीडियो देखता था। वो सिंपली जिससे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सेम उसी कैटेगरी का ही वीडियो वो बनाते थे, और लोग उसको फॉलो करते थे। वो अच्छे खासे पैसे अपने कमाते थे, कमा रहे भी हैं। तो मैं भी सोचता था यार क्या मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ में मैं हमेशा पीछे हो जाता था। देख सकते हो कि रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक चीज़ में मैं हमेशा नर्वस हो जाता था कि पब्लिक के सामने या लोगों के सामने मैं कैमरा लेके मैं कैसे बात करूँगा,
जो आज भी मेरे से नहीं हो पाता है। तो जो मेरे जो अंदर की जो शर्म है उसको बिल्कुल हटाना पड़ेगा, तभी आप यूट्यूबर बन सकते हो अगर व्लॉग वगैरह करते हो तो। अगर टेक्निकल गुरुजी टाइप का कुछ चैनल है तो भाई सिंपल सा सब्जेक्ट उठाओ, कैमरे के सामने बैठ जाओ और जो भी है उसको लिख लो, एक बार रिविजन कर लो और सिंपली से डाल दो। तो यहाँ पे रोड इसलिए ख़राब है क्योंकि यहाँ का जो ट्रक वगैरह जो इतनी चलती है, भी यहाँ पे ट्रक बड़े बड़े हैवी गाड़ियाँ यहाँ पे चलता है, इस वजह से यहाँ का जो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ख़राब रोड है। बट ख़राब रोड से गुजरने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, और आगे भी अच्छा कंटेंट वीडियो में लेके आता रहूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि आप लोगों को किस तरह का व्लॉग देखना है। और एक मैं सोच रहा था कि भिलाई में सेकंड हैंड बाइक कहाँ मिलता, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं। तो बिल्कुल आप कमेंट करिए और जो भी सजेशन हो आप दीजिए, के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और जो भी आपका सब्जेक्ट होता है, किस टॉपिक पे होता है, उस टॉपिक पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर आप आते हो तो चारों तरफ आपको सन्नाटा ही नज़र आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूरे BSP का ही चलता है, ट्रक वगैरह और JP सीमेंट पर चलता है, ठीक है। तो इस वजह से इतने हैवी गाड़ी चलने के वजह से एक बार से रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और बारिश के दिनों में आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कितने गड्ढे हैं, आप अंदाज नहीं लगा सकते कि कितने गड्ढे हो सकते हैं। तो हम लोग जब प्लांट में यहाँ काम करते थे तो यहीं आया करते थे, यहाँ पे बैर वगैरह का बहुत सारे पेड़ हैं और हम लोग आया करते थे यहाँ पे घूमने के लिए थोड़ा, जब हम छुट्टियाँ मिला करती थी जैसे कि लंच टाइम पे, तो हम लोग आया करते थे इस साइड घूमने के लिए। तो इस तरह का है यहाँ पे देख सकते हो, और धूल दस्त तो बहुत है जैसे कि आप देख सकते हो। लेट्स सी, आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और कैसा नज़ारा है। तो लीजिए, जिस चीज़ का मैं बात कर रहा था वो चीज़ फाइनली आ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है। मतलब कि जन्नत है, जन्नत बोला जा सकता है इसको। अब बिल्कुल आना यहाँ पे और देखना यहाँ का माहौल और यहाँ की खूबसूरती, जो कि आपको गजब की लगेगी। तो लीजिए, इस तरह का नज़ारा है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह का खूबसूरती होता है यहाँ पे, बहुत ही ऑसम है। तो इस तरह का खूबसूरत सा जगह है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ पूरे बांध टाइप के हैं, यहाँ पे प्लेस हैं, लेकिन ये बांध नहीं है, ये BSP का एरिया है। और BSP यहाँ से पूरा अपना 70 से 75% पानी का उपयोग करता है अपने प्रोडक्ट बनाने में। और आगे मैं आपको और दिखाऊंगा यहाँ पे कि यहाँ से रास्ता गया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो रास्ता है यहाँ से गया हुआ है, आगे आपको और दिखाऊंगा। लेकिन इस तरह का प्लेस है और यहाँ पे जहाँ मैं बता रहा था BSP, यहाँ पे BSP का पूरा चारों तरफ BSP का ही है। तो यहाँ से प्लांट भी आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगा। तो बाल थोड़ा बिगड़ गया है, हेलमेट लगाने से यही होता है। तो यहाँ पे इस तरह का नज़ारा है और ये मेरा सेटअप है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह का सेटअप है। और आप में से कई भाई पूछते हैं, सर आप जो ब्लॉग बनाते हो वो मोबाइल से बनाते हो कि DSLR से बनाते हो? तो मैं अभी फ़िलहाल DSLR है मेरे पास में, बट मैं DSLR का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों के सामने इतने बड़े हैवी DSLR को लेके घूमना और ब्लॉग बनाना मेरे बस की बात नहीं है। बट मैंने ले लिया है, आज नहीं तो कल मैं ज़रूर करूँगा, ब्लॉग ज़रूर बनाऊँगा, क्योंकि DSLR से जो ब्लॉग बनता है बहुत ही अमेजिंग बनता है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ क्या जो हाँ मैं आप लोगों को ले के आया हुआ हूँ। तो इसका जो है वहाँ से एरिया बंधा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक। तो ये जो एरिया है पूरा BSP का एरिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ BSP है, ठीक है, और यहाँ से पूरे चारों तरफ BSP है। और ये इस पानी का उपयोग BSP करता है। और जब भी आप आते हैं, ठीक है, साल में 12 महीने होते, 12 के 12 महीने पानी का लेवल इतना ही रहता है,
ठीक है, इतना ही रहता है, इससे ना कम होता है ना इससे ज़्यादा होता है। और सामने देख सकते हो यहाँ पे रोड है, अपन चलेंगे आगे और यहाँ पे भी रोड है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्लट यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया है, यहाँ पे था पहले रोड था, ऐसा करके जाना पड़ता था, तो वो तो खैर अभी बंद हो चुका है। और ये मेरा सेटअप है, तो देख सकते हो बहुत ही आलीशान है, बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, एक बार ज़रूर आइए, देखिए, आपको बहुत ही गजब का लगेगा। तो बहुत ही खूबसूरत सा है जगह यहाँ का। लेट्स सी, अब ये रोड मुझे कहाँ तक ले चलती है या फिर ले जाती है, देखना होगा कि ये रोड कहाँ तक मुझे ले जाता है। क्योंकि अच्छा, तो यहाँ से फाइनली रोड ब्लॉक हो जाता है, तो आप ये मत समझिएगा कि यहाँ से निकलने का जगह नहीं है। ये जो रोड है यहीं से अपने को निकलना है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को मैंने पूछा हुआ है कि यहाँ से मैं निकल सकता हूँ, तो बहुत से लोग मेरे को बताए हैं कि आप निकल सकते हो। ये साला कांटा है, तो अपन को ऐसा निकलना है। ओ हो, ऑसम ब्रिज बना हुआ है यार। अच्छा, ये बना हुआ है अपने बाइक निकलने के लिए, तो इस तरह का नज़ारा है, देख पा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लंबा बना हुआ है ब्रिज, तो अच्छा, काफ़ी भाई लोग बोले कि आप निकाल सकते हो अपनी बाइक, गजब का है यार। अच्छा, मेरे को यहाँ पे ऐसे मोड़ के निकलना है, ठीक, अपन यहाँ से निकलते हैं। और हाँ, तो फाइनली अपन अब यहाँ से किधर चलूँ, ये रोड कहाँ ले जाएगा भाई मेरे को। तो यहाँ से किधर चलना है, तो जंगली जंगल निकलना है क्या मेरे को, कहाँ निकलो यहाँ से। ओ, अच्छा, तो ये अपना कौन सा है भाई, फाइनली रोड मिला है मेरे को। तो ये बीएसपी मड़ौदा है, तो अपन देख सकते हैं बीएसपी मड़ौदा गेट है, तो इस तरह का नज़ारा है बीएसपी मड़ौदा गेट। तो फाइनली अपने को सही रोड मिल चुका है, और बस आगे बढ़ते हैं घर निकलने के लिए। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों यार से बोलो कि अपने भिलाई में एक बंदा है जो यूट्यूबिंग करता है, उसको सपोर्ट करिए करके, तो बहुत मेहरबानी होगी आप लोगों का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी एक बार बोलना चाहूँगा कि अच्छा लगा ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ बताना कि और किस तरह का आपको वीडियो पसंद है, किस तरह का मैं वीडियो बनाऊं। और भिलाई अगर दुर्ग से हो या रायपुर से हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैं कहाँ जाके मैं वीडियो बना सकता हूँ, कहाँ पे अच्छा खासा व्यू नज़र आएगा। तो अभी के लिए बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।